हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स डीफार्म फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 और उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस, उसके बाद एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बात मैं यहीं शुरू में बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जितना आपके सिलेबस में पूछा है उतना ही पढ़ाऊंगा, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, आपको बैकग्राउंड में आवाज थोड़ी सी आ सकती है, इसलिए कि मेरा अभी ये नया नया सेटअप है और सारी चीजें अच्छे से मतलब अभी हो नहीं पाई हैं और लेट भी मैं इसी वजह से हो रहा था। बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे और कमेंट भी कर रहे थे यूट्यूब पे कि सर आप थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करिए। तो मैं इसीलिए नहीं कर पा रहा था कि मेरा नया सेटअप अभी सारी चीजें अच्छे से सेट नहीं हो पाई हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। अभी मान लीजिए मैं पढ़ाना शुरू करूं और आपको आवाज भी क्लियर ना आए तो मजा नहीं आएगा, और एक ही चीज को मैं बार बार पढ़ाऊं तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता कि एक बार बना दिया फिर दोबारा डालू उसी को बना के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम सिलेबस देखेंगे। तो हमारा सिलेबस क्या है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन क्या है, यह भी आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की हिस्ट्री देखनी है इंडिया के अंदर। और फिर आगे यहाँ पे लिखा है इन रिलेशन। एक चीज मैं और भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि मुझे पढ़ना क्या है, समझ में आ रही है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। पता चला एग्जाम आ गया, उनको यही नहीं पता कि मुझे इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस आपके ना जो भी बुक्स लेंगे उसके शुरू में ही सिलेबस दिया रहता है, सिलेबस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, समझ रहे हैं ना। किताब में भी बहुत सारा दिया रहता है, तो जितना आपके सिलेबस में पूछा है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करिए, कम टाइम में ज्यादा आप अच्छा से पढ़ेंगे और ज्यादा मार्क्स भी लाएंगे। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, आपको इसमें यानी ये जो फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको फार्मेसी एजुकेशन की हिस्ट्री भी पढ़ना है। इंडस्ट्री यानी फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, उसके बारे में पढ़ना है, किसने शुरू किया। ऐसे ही फार्मेसी प्रैक्टिस जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। ये सारे टर्म्स ना आगे आपको अच्छे से भी डिफाइन करूंगा। और क्या है, वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर एक टॉपिक है इसमें फार्मेसी एज ए कैरियर, अगर आप फार्मेसी लाइन में आते हैं, आपने डीफार्म किया बीफार्म किया तो आपके कैरियर के लिए वो हेल्पफुल है कि नहीं है, क्या क्या उसके स्कोप है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आपके सिलेबस में फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है कि फार्माकोपिया क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन देना किसका, आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया का, बीपी का, यूएसपी का, एनएफ, और क्या कहते हैं इसमें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इन सब का क्या आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और एक चीज और, जो ये आपका आईपी है इंडियन फार्माकोपिया है, इसके सेलियंट फीचर्स को पढ़ना है, ठीक है ना। इंडियन फार्माकोपिया का सेलियंट फीचर्स यानी खास खास फीचर्स पढ़ने की, दूसरे जो क्या कहते हैं फार्माकोपियाज हैं उसके मुकाबले में ये डिफरेंट कैसे, इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं, वो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, तो पहले आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, तो फार्मास्यूटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजाइन डेवलपमेंट फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ ड्रग। फार्मास्यूटिक्स क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं, यानी ड्रग को बनाना, ठीक है ना, किस टाइप से उसको बनाया जाए, किस फॉर्म में उसको बनाया जाए, जैसे कि अलग अलग दवाओं के फॉर्म होते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है, क्या कहते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, गैसियस फॉर्म में दवाएं होती हैं, तो अलग अलग पूरा भी आप पढ़ेंगे वो भी अगर आपके सिलेबस में होगा तो, ठीक है ना, कि डोजेस फॉर्म अलग अलग होते हैं तो अलग अलग तरीकों से दवा को डिजाइन करना है तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं। कोई दवा डिस्कवरी करना है फिर डेवलप करना, उसको बनाना है, डिस्कवर हो गई दवा फिर उसको डेवलप करना तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं। दवा के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कोई दवा ऐसी है जो पहले से चली आ रही है, आपके मोनोग्राफ में लिखा हुआ है। अब मोनोग्राफ क्या है,
कुछ टर्म्स हैं जिसको आप समझिए। अभी आपने देखा ना पीछे फार्माकोपिया, तो जो भी फार्माकोपिया होते हैं उसके अंदर ना दवाओं के बनाने की पूरी विधि लिखी रहती है। विधि मतलब पूरा तरीका लिखा रहता है कि दवा कैसे बनाएंगे। सपोज दैट आपको पैरासीटामोल ही बनाना है तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ ब्यौरा कि आपको इसमें पानी इतना मिलाना है, जो फार्मा क्या कहते हैं उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो बीमारी को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल, उसका जो क्या कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि असल में एसिटा अमीनोफेन, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर कितना मिलाएंगे और बाकी जो चीजें हैं यानी क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स वगैरह वो कितना मिलाएंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, कितना कंप्रेस करेंगे, सारी चीजें उसके बारे में लिखी रहती हैं, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। तो ये जो हमारा फार्माकोपिया होता है उसके अंदर दवा बनाने की विधि लिखी रहती है, ठीक है। तो वही तो क्या कह रहा था मैं कि फॉर्मेशन, जैसे कि कोई दवा है उसका पूरा मोनोग्राफ पहले से बना हुआ है, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको बनाना है, तो उसके बारे में आप सीखते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। ऐसे क्या है दवा बन गई है उसको मैनेज करना है। दवा बना के ऐसा तो नहीं कि कहीं भी रख देंगे, कहीं पर रख देंगे जल्दी खराब हो जाएगी, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए उसके बारे में आप पढ़ते हैं। और इसके अलावा और साथ में आप ये भी पढ़ते हैं कि दवा को कैसे पैक किया जाए, पैकेजिंग भी तो जरूरी है ना। दवा बना दिया आपने बड़े अमाउंट में तो उसको कैसे पैक किया जाए, किस कंटेनर के अंदर किस दवा को रखा जाए। आपने देखा होगा अलग अलग दवाएं अलग अलग टाइप के कंटेनर के अंदर अलग अलग टाइप से पैकिंग होती है। किसी को आपने टेबलेट में ही देखिए, किसी में तो किसी को एल्युमिनियम के उसमें पैक किया जाता है, ब्लिस्टर होता है उसका, और कुछ दवाएं ऐसी होती है जो प्लास्टिक के उसमें कंटेनर में पैक की जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल नॉर्मली चलता है, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद उसको स्टॉक करना, स्टॉक करके रखना, पैकेजिंग करने के बाद स्टॉक किया जाता है, स्टॉक कैसे करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये सारी चीजें ना हो, लेकिन फार्मास्यूटिक्स इन सारी चीजों को क्या है कवर करता है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट, आप ये भी कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न होता है किसी भी चीज को डिफाइन करने का, ठीक। अब आपको क्या पढ़ना है, ये तो हमने सिर्फ अभी इसको समझा है कि फार्मास्यूटिक्स है क्या, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ये पढ़ना आपको, ठीक है ना। फार्मेसी प्रोफेशन, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को फार्मेसी प्रोफेशन भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रोफेशन ऑफ, पहले तो ये समझते हैं कि प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्मेसी एजुकेशन की इंडिया के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी, जो टर्म्स हैं जो आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, परेशान करती हैं, तो आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फार्मेसी प्रोफेशन क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन इन्वॉल्व्स वेरियस थिंग, अब ये फार्मेसी प्रोफेशन कोई एक काम नहीं है, इसमें कई सारी चीजें क्या है इंक्लूडेड है, ये बहुत सारी चीजों को क्या करता है इन्वॉल्व करता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि दवा के डिस्कवरी करना भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। दवा को डिस्कवर करना वो भी आता है, उसको डेवलप करना, दवा डिस्कवर हो गई उसको आप बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको डेवलप कर रहे हैं तो वो भी आता है। फिर दवा को प्रिपेयर करना यानी फॉर्मुलेशन करना, फिर उसके बाद प्रिपरेशन, समझ रहे हैं ना, दवा को बनाना, आपको सारी चीजें मिल गई हैं, अब उसको बनाया जाता है ना। तो वो एक जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी किताबें रहती हैं कि ये दवा ऐसे बनेगी, जैसे कि आपका फार्माकोपिया है, तो उसी को अब उसी के अकॉर्डिंग आप दवा बना रहे हैं, आपने दवा को डिस्कवर नहीं किया, डेवलप नहीं किया, सिर्फ आपने एक फॉर्मूला लिया उसके हिसाब से अपना एक दवा बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन करना या फॉर्मुलेशन करना। फिर दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर कंपनी, उन्होंने दवाएं बना दी बहुत सारी, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, तो उसके लिए अलग लोग होते हैं, तो उसके बारे में भी, तो ये भी दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, हॉस्पिटल तक, या जो क्या कहते हैं होलसेलर है उन तक पहुंचाना, या जो रिटेल सेलर है जहां तक भी आप पहुंचा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग क्या है, ये पूरा प्रोसेस है, जैसे कि आपने देखा होगा क्या कहते हैं जो मेडिकल स्टोर होते हैं, तो वो भी वहां से भी क्या होता है दवा डिस्पेंस की जाती है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां जो फार्मेसी होती है, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन आते हैं और वो लोग उसके अकॉर्डिंग दवा को निकाल निकाल के क्या करते हैं देते रहते हैं, तो वो होता है दवा का डिस्पेंस करना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं डिस्पेंसिंग। और फिर इसके और भी क्या आता है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और दवाएं जो है उनको मैनेज करना, ठीक है ना, और जो दवाएं हैं उनको मैनेज करना, एंड मेडिकल डिवाइसेज,
अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो सारे काम है डिस्कवरी, डेवलपमेंट, प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें दवाओं के साथ में भी जुड़ी हुई है और मेडिकल डिवाइसेस के साथ में भी जुड़ी हुई है। यानी मेडिकल डिवाइस को भी डिस्कवर करना, डेवलप करना, उसको प्रिपेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्पेंस करना और मैनेज करना मेडिकल डिवाइसेस को, ये भी आता है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। अब फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स एक ही बात है, ये तो आप जानते ही हैं। मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं? तो कोई सा भी डिवाइस जो कि मेडिकल में काम आते हैं, मेडिकल लाइन में काम आते हैं, यानी बीमारियों को ठीक करने में किसी भी तरीके से आदमी को सपोर्ट देने में वो काम आ रहे हैं, तो वो मेडिकल डिवाइसेस में आते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, इंजेक्शन लगाते हैं, उसको डिस्पोजल आ गया, नीडल है तो वो भी एक मेडिकल डिवाइस है। बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर आता है, वो भी मेडिकल डिवाइस है। ऐसे ही बीपी वगैरह नापने के लिए मशीन जो आती है तो वो भी एक क्या है, थर्मामीटर है। डॉक्टर अपने उसमें आला लेके घूमते हैं। हाँ, अब ये आला आपने सुना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप पढ़ के आए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर भी, पूरा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पढ़ाया था शायद उसमें मैंने बताया उसको। तो ये जो लगाते हैं ना कान में आला, डॉक्टर लेके ऐसे चेक करते हैं, वो तो सिर्फ भरमाते हैं पेशेंट को कि हाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से हम चेकिंग कर रहे हैं। खैर, तो उसको क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी कमेंट करिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जो मुझे और बताना चाहिए और नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके फीडबैक से मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो मेडिकल डिवाइसेज आपको समझ में आ गया, मेडिकल डिवाइसेज और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेज आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब हम लोग असल टॉपिक पे आए हैं, ठीक है ना, वो चीजें आपको समझने के लिए थी, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है ना, जो सिलेबस में आपके पूछा है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में। एंशियंट टाइम मतलब पुराने जमाने में, इसको आप कह सकते हैं कि इन ओल्ड टाइम या बिफोर एगो, बहुत बहुत पहले, ठीक है ना। सॉरी, तो फार्मेसी प्रोफेशन स्टार्टेड इन इंडिया अबाउट 5000 ईयर्स अगो, ठीक है ना। इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन शुरू हुआ वो तकरीबन 5000 साल पहले, कितना, तकरीबन 5000 साल पहले शुरू हुआ। अब ये जो डेट है ना, ये आगे पीछे आपको मिल सकता है, इसलिए कि एग्जैक्ट डेट लिखी हुई नहीं कहीं पे, तो इसलिए ये बाद में चीजें सब वो की जाती हैं, तो कहीं पे आपको 6000 साल मिल जाएगा, कहीं पे 9000 साल मिल जाएगा, कहीं पे कम ज्यादा मिल जाएगा, तो 5000 साल अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं, चूंकि इंडिया के रिलेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपने इंडिया के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले मेडिसिन सिस्टम कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पुराना जो इंडिया के अंदर है वो क्या है, आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड दी एंशियंट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। लेकिन आप और अगर गहराई के साथ पढ़ेंगे ना, तो एक सिस्टम और है सिद्धा, वो इससे भी ज्यादा पुराना है, लेकिन वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, वो इतने अच्छे से चला नहीं, इतना अच्छे से प्रचलित नहीं हुआ, इतना लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो लेकिन जो आयुर्वेदा है वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा लोगों ने इसको क्या एक्सेप्टेंस दिया, तो इसलिए हम लोग आयुर्वेदा को ही मतलब सबसे मेन मानते हैं। तो आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड द एंशियंट यानी ओल्डेस्ट, ठीक है ना, एंशियंट मतलब ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम। मेडिसिन सिस्टम का मतलब होता है बीमारी को ठीक करने का जो तरीका होता है, जैसे एक तरीका है होम्योपैथिक, ऐसे एक होता है एलोपैथिक, अंग्रेजी दवाओं के जरिए से दवाओं बीमारियों को ठीक किया जाता है, तो ऐसे ही एक होता है आयुर्वेदिक, ठीक है ना। इसके जो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वैद्य, बोलते हैं ना वैद्य, बहुत बड़े वैद्य हैं डॉक्टर वैद्य। ऐसे ही एक सिस्टम चलता है यूनानी, उसके जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं हकीम। तो सबसे पुराना अपने इंडिया के अंदर कौन सा है, आयुर्वेदा है, ठीक। दिस सिस्टम वॉज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट, और ये जो सिस्टम था ये आमतौर से यूज किया जाता था। अब इसको किसने डेवलप किया, कैसे ये सिस्टम डेवलप हुआ, सारी चीजों को ना एक से दूसरे को कड़ी जोड़ते हुए आप ले जाएंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो ये जो आयुर्वेदा सिस्टम है ये किसके टीचिंग्स पे, किसने इसको डेवलप किया, किसने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए, तो इसमें और भी बहुत पहले जाएंगे तो वो अवतार लोगों से जोड़ा जाता है, लेकिन मेन जिनका नाम आता है वो है चरका एंड सुश्रुता, ठीक है ना। क्या है, चरका एंड सुश्रुता वॉज फिजिशियन एज वेल एज फार्मासिस्ट। ये जो चरका है और सुश्रुता है ये दो लोग हैं, ठीक है ना, इनको ऋषि और महाऋषि, चरका को ऋषि कहा जाता है और सुश्रुता को महाऋषि कहा जाता है। ये लोग क्या थे, फिजिशियन थे और क्या थे, एज वेल एज फार्मासिस्ट थे। फिजिशियन भी थे और साथ में फार्मासिस्ट भी थे ये।
और फिजिशियन क्या होता है, तो फिजिशियन मतलब समझिए डॉक्टर जो बीमारी को डायग्नोज करता है, ठीक है ना। और फार्मासिस्ट जो आप बनने जा रहे हैं, इसका असल काम बीमारियों को डायग्नोज करना नहीं होता है, बल्कि इसका असल जो काम होता है वो होता है कि बीमारी डॉक्टर ने दवा डिस्क्राइब कर दवा लिख दी और उस दवा को निकाल के ये देता है। पहले जमाने में ऐसा होता था फार्मासिस्ट होते वो दवा को फॉर्मुलेट करते थे, यानी साल्ट वगैरह रखा रहता था, दो तीन दवाओं को आपस में मिला के दवा बना के देते थे लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में जैसे भी। अब तो दवा बनी बनाई जाती है, सिर्फ निकाल के उसको देना रहता है, ठीक। और फिर फार्मासिस्ट बता देते हैं कि इसको दिन में 3 बार खाना, 2 बार खाना, बीडी लेना है, टीडी लेना है, ओबी लेना है, क्या लेना है, ओडी, सॉरी ओबी नहीं ओडी, ओडी मतलब वंस अ डे, ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है ना ओडी, इसका मतलब दिन में इस दवा को 1 बार लेना है, बीडी मतलब दिन में इस दवा को 2 बार लेना है, और होता है टीडी मतलब दिन में इस दवा को 3 बार लेना है, ठीक है ना। ये प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। ऐसा तो ये आप चरका श्रोता, ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये क्या था, फिजिशियन था, ये सबसे मतलब मेन माने जाते हैं आयुर्वेदा को डेवलप करने के लिए। ऐसे देवर डीलिंग विद दी मोर देन 1000 ड्रग फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ से ना हमको क्लियर दिखता नहीं, चूंकि लाइट लगी रहती है चारों तरफ ना, तो ये थोड़ा सा हमको ऐसे करके देखना पड़ता है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो ये लोग जो थे, ये चरका और सुश्रुता, ये जो दो ऋषि थे, ये लोग 1000 से ज्यादा दवाओं के जरिए से लोगों का ट्रीटमेंट किया करते थे। अब जो चरका थे, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री पूछेगा तो 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा उसको बड़ा करना है। तो चरका आल्सो नोन एज ए चरका ऋषि, इनको चरका ऋषि भी बोलते हैं। ही वाज एन एंशियंट इंडियन फिजिशियन, ये क्या है, एक बहुत पुराने इंडियन फिजिशियन है। ही डिड हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, मेनली इनका जो काम था वो खासतौर से ट्रीटमेंट में था, यानी बीमारियों का इलाज करने में ये खासतौर से इन्होंने अपना योगदान दिया। अभी जो चरका है, अब ये जो चरका ऋषि हैं, इनकी जो टीचिंग्स थी, इन्होंने लोगों को जो सिखाया, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उसी के जरिए से एक किताब तैयार की गई, जिसको बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है ना। चरक संहिता इनके जरिए से क्या है, समझिए तैयार की गई एक किताब है, जो कि सबसे क्या है, ओल्डेस्ट मानी जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के अंदर, ठीक। दूसरा क्या है, सुश्रुता, यहाँ पे संहिता लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता, ठीक है ना। तो ये भी एक बुक है आयुर्वेदा में, ये दो मेन बुक है, चरक संहिता है, सुश्रुता संहिता। आपने पढ़ा ना, एक चरक ऋषि थे, दूसरे कौन थे, सुश्रुता ऋषि थे। तो इनके जरिए से, यानी इनके एक्सपेरिमेंट्स, इनकी जो टीचिंग्स थी, इन्होंने जो लोगों को सिखाया, इनका जो मतलब एक्सपेरिमेंट था, उन सबको इकट्ठा किया गया एक किताब के अंदर, तो उसके जरिए से जो किताब बनी उसको क्या बोलते हैं, सुश्रुता, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजों को मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं, इसलिए कि जो मैं पहले बता चुका हूं वो बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक। ये सारी बातें इसमें अंदर आ गई हैं। अब ये जो थे ना, ये सुश्रुता, इनको भी ये भी कहा जाता है कि ये फादर ऑफ सर्जरी हैं इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर फादर ऑफ सर्जरी इनको माना जाता है, जिनको सुश्रुता को, ये ठीक, ये तो फिजिशियन थे ही, साथ में ये सर्जन भी थे, क्या थे, ये साथ में सर्जन भी थे, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी प्रोफेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। हमने अभी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी है, अब अंग्रेज आ गए इंडिया के अंदर, उससे पहले और भी आए, मुगल वगैरह पूरा शासन चला, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस से पहले अपने अंदर, अपने इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन किस लेवल पे था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये समझिए कि हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग एलोपैथिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो द एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम कैन इनटू इंडिया विद ब्रिटिश ट्रेडर, जो अंग्रेज ट्रेडर थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर थे, उनके ट्रेडर मतलब काम करने वाले, तो उनके जरिए से क्या है, एलोपैथिक यानी अंग्रेजी मेडिसिन सिस्टम इंडिया के अंदर आया, जो कि आज सबसे ज्यादा चल रहा है इस वक्त में। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल द एलोपैथिक मेडिसिन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, यहाँ से यहाँ पे फ्रॉम लगा लीजिए, जो क्या कहते हैं एलोपैथिक दवाएं थी वो ब्रिटिश टाइम के अंदर क्या यूरोप से इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जाती थी, मंगाई जाती थी, एंड वो और वो ना वो सबके लिए यूज नहीं होती थी, वो कुछ सिलेक्टेड पीपल के लिए यूज होती थी, जिसको क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती कि इसको ये दवा दी जाए तो उसको वो दवा क्या है दी जाती थी। लेकिन फिर बाद में 19th century जो आया, ठीक है ना, 19th century के पास में, यानी उसके आसपास में ये चीज शुरू हो गई कि वो सबके लिए यूज होने लगी, यानी लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट करने लगे, लोग भी क्या है उसको यूज करने लगे, तो सबके लिए फिर उसको क्या है परमिशन मिल गई और सब लोग उसको यूज करने लगे। चूंकि जो एलोपैथिक दवाएं होती हैं उसका इफेक्ट तुरंत दिखने लगता है, बहुत जल्दी उसका एक्शन शो होता है,
अब हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन इन इंडिया, और ये टॉपिक आगे भी एक बार आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, 1901 के अंदर बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क शुरू हुआ, ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर। ये कंपनी का समझिए नाम है, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर ये क्या हुआ, सबसे पहले शुरू हुआ, ठीक है। किसने शुरू किया था इसको, तो आचार्य पीसी रॉय, ठीक है ना, प्रफुल्ल चंद्र इनका नाम था। तो आचार्य पीसी रॉय आप याद कर लीजिए, सबसे पहले 1901 के अंदर इन्होंने ये कंपनी इंडिया के अंदर बनाई, ठीक है ना। ये सबसे पहली क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी इंडिया के अंदर। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना फार्मेसी प्रोफेशन की, इसलिए सारी चीजें आएंगी उसमें। अब आपको ये एक आध दो की तो याद रखनी चाहिए। और उसके बाद फिर 1903 के अंदर एक छोटी सी कंपनी बनाई गई, कहां पे, प्रेल में। प्रेल कहां, मुंबई के अंदर, ठीक है ना। उसको किसने बनाया, तो प्रोफेसर टी के गुज्जर नाम है इनका, तो इन्होंने उसको शुरू किया। प्रेल के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई गई। फिर उसके बाद 1907 के अंदर अलेम्बिक केमिकल वर्क, ये कंपनी का नाम है, इसको ए को बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना, अलेम्बिक केमिकल वर्क्स, ये कंपनी शुरू हुई, ठीक है ना, 1907 के अंदर। और ये कहाँ पे शुरू हुई, बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा है गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर शुरू हुई। इसको भी किसने शुरू किया, प्रोफेसर टी के गुज्जर ने शुरू किया था, ठीक है। और अब ये जो दवाएं यहाँ पे, ये जो कंपनीज है ना, ये पूरी दवा नहीं बनाती थी कंपनीज, इनका काम क्या था, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम मोस्टली क्रूड ड्रग्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, ठीक है ना। ये लोग क्या, क्रूड ड्रग तैयार करते थे। अब ये क्रूड ड्रग क्या है, इसके लिए डिटेल पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा फार्माकोग्नोसी में, वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। सिर्फ इतना समझिए कि जो दवाएं हमको नेचुरली मिलती है, जैसे प्लांट से हमने क्या है, उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निकाल लिया, अभी उसको अच्छे तरीके से डोजेस फॉर्म में नहीं किया हमने, समझ में आ रही बात। सपोज दैट कि सेना है, वो एक तरीके से लेक्सेटिव और पर्गेटिव का काम करता है। अब लेक्सेटिव पर्गेटिव समझाना, जैसे कि लेक्सेटिव पर्गेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसको कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एलोवेरा भी उसी में काम आता है, उसमें काम आता है, और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो उसके जो क्या है, तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उनको निकाल लिया गया और उसको यूरोप में भेज दे रहे हैं। अब वहां से दवा क्या है, अच्छे से बन के आ रही है अलग अलग डोजेस फॉर्म में। बच्चों के लिए सिरप बना के वो भेज रहे हैं, बड़ों के लिए अगर गोली बनाना है तो गोली यानी टेबलेट बना के भेज रहे हैं, कभी कोई दवा वो कैप्सूल बना के भेज रहे हैं। तो अपने हिसाब से उनकी फैक्ट्रीज थी वहां पे, उनकी मैन्युफैक्चरर कंपनीज थी, उनके रिसर्च थे, तो अपने हिसाब से दवाओं को क्या करते थे, अलग अलग डोजेस फॉर्म में बना के इंडिया के अंदर भेजते थे। तो इन कंपनियों का काम क्या था कि ये क्या है, क्रूड ड्रग तैयार करके इंडिया के अंदर से क्रूड ड्रग लेती थी, यानी असल में प्लांट लिया मान लीजिए, उसके अंदर से जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसको निकाल लिया, भेज दिया बाहर। अब वो कंपनी वहां से बाहर से यानी यूरोप से दवाएं बन के आती थी, ये होता था इंडिया के अंदर, ठीक है ना, उस टाइम पे। ये यानी ये जो कंपनीज थी ये करती थी, यूरोप में गई और वहां से दवाएं बन के आती थी, फिर वो उसको बोलते हैं कि एक्सपोर्ट होना, ठीक है ना, सुटेबल डोजेस फॉर्म में वो बन के आ जाती थी। फिर अब क्या हुआ, जब 1914 से लेकर 1920 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जाने बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द इंपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम यूरोप स्लो डाउन, तो उस बीच में ना यहाँ से क्रूड ड्रग तो भेजे जा रहे हैं, या और भी जो दवाएं वहां से बन के आ रही थी अंग्रेजी, वो ना यूरोप से जो आ रही थी तो वो क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, यानी बहुत कम मात्रा में आने लगी, ठीक है ना। अब जिससे क्या, अपने इंडिया की नीड पूरी नहीं हो पा रही थी। और एक चीज और कि उस टाइम पे ना कोई, जैसे कि आज बहुत सारे रूल रेगुलेशन है दवा बनाने के लिए, दवा बेचने के लिए, बिना लाइसेंस के आप दवा बना नहीं सकते, बेच नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। उस टाइम पे ना, अब फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि जैसी मन करे वैसी दवा बना दें, उसकी क्वालिटी प्योरिटी सारी चीजें चेक की जाती है, समझ में आ रही बात। आपके प्रीमिसेस को जहां दवा बनती है उसको भी चेक किया जाता है, रॉ मटेरियल आ रहा है उसका भी पूरा क्या कहते हैं, जो सैंपल होता है आपको रखना पड़ता है दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल तक, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत सारी अब रूल और रेगुलेशन बन गए हैं ताकि दवाएं अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बनाई जाएं, अच्छे से लोगों को प्रोवाइड की जाएं, ठीक है ना, उसका रेट भी कोई बहुत हाई ना हो। बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सेकेंड ईयर में, वहां पे सारी चीजें आपको अच्छे से बहुत क्लियर होंगी। ये तो ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे ना कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, जैसी दवा मन कर वैसी बना के भेज दी, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थे। तो फिर क्या हुआ उस टाइम पे, ये क्या था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर कंपनी थी उन्होंने मौके का फायदा उठाया और फिर वो क्या करने लगे, अडल्ट्रेटेड और इंफेरियर टाइप की जो क्वालिटी की दवाएं ना इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया उन्होंने। पूरे पैसे तो ले रहे हैं लेकिन दवा क्या कर रहे हैं, भेज रहे अडल्ट्रेटेड। अभी अडल्ट्रेशन ना आप फार्माकोग्नोसिस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे इतना समझिए कि जो दवा क्या है अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसके अंदर मिलावट कर दिया। लोगों को बता तो रहे हैं कि ये जो मतलब एक टेबलेट है इसके अंदर सपोज दैट
दर्द को ठीक करने की जो क्वालिटी है वो हमने दर्द को ठीक करने का जो इंग्रेडिएंट है वो हमने 10% इसके अंदर डाला है, लेकिन डाला सिर्फ 5% है। समझ में आ रही बात? ये अलग अलग तरीके से अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट कर दिया गया, तो असल जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो इस तरीके से वो क्या है, मिलावट कर करके दवाओं को, घटिया क्वालिटी की दवाओं को इंडिया के अंदर भेजने लगे, और उसी का उसी माने में आता है इंफेरियर भी, यानी लो क्वालिटी की दवाएं इंडिया के अंदर खराब घटिया एकदम भेजने लगे। तो उससे लोगों की क्या है वो बहुत वो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की सेहत खराब होने लगी। हो सकता है कोई उसके अंदर जो डेंजरस चीजें हो जो लोगों की सेहत को, लोगों के हेल्थ को डैमेज करने लगे, तो वो जो कंडीशन हुई ना, जो वो घटिया दवा भेजने लगे इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें होने लगी। तो फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक क्या है एक्ट पास किया, वो क्या था, डेंजरस ड्रग एक्ट। कब पास हुआ, 11 अगस्त 1930 में, ठीक है ना, कब पास हुआ, 11 अगस्त 1930 में ये एक्ट पास हुआ, याद रखिएगा इंडियन गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे कि टाइम तो अंग्रेजों का था, टाइम तो अभी अंग्रेज 1947 में गए हैं ना, और यहाँ क्या 1930 है, तो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से आ गई। तो अंग्रेजों के टाइम पे भी, आप इसको डिटेल पढ़िएगा, अंग्रेज जब यहाँ पे रूल कर रहे थे उस वक्त में भी इंडियन पार्टी थी, और वो भी अपना चुनाव लड़ती थी, फिर वो जाके पार्लियामेंट में, वही अंग्रेज उसके हेड होते थे, और वहां पे जाके ये लोग क्या है बैठते थे, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे। समझ में आ रही बात? तो इंडियन पार्टीज भी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, ऐसे ही मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, और भी अपने एरिया के हिसाब से छोटी बड़ी बहुत सारी पार्टियां थी, ठीक है ना, आप इसकी डिटेल पढ़िएगा। तो ये है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज जैसे बिल्कुल हम लोग फ्री हैं ऐसे नहीं थे, जो उसका मान लीजिए आज जो स्पीकर होता है तो वो अंग्रेज था, आप कुछ भी बहस कर रहे वो फैसला अपने हिसाब से करता था, ठीक है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है एक एक्ट पास कराया, कब, 1930 के अंदर, 11 अगस्त 1930 के अंदर। उस एक्ट का क्या नाम था, डेंजरस ड्रग एक्ट, ठीक है ना। और ये क्यों पास किया गया, ये जो सिचुएशन बन गई थी, यानी घटिया क्वालिटी की दवाएं इंडिया के अंदर आने लगी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। और फिर इस गवर्नमेंट ने ये भी किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कमेटी, एक कमेटी बनाई गई ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको DEC बोलते हैं, ठीक है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लेट कॉल RN चोपड़ा। ये जो RN चोपड़ा है इनके क्या कहते हैं निगरानी में, इनकर इनके चेयरमैनशिप के अंदर ये एक कमेटी बनाई गई, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। फिर इस कमेटी ने क्या किया, पूरे मतलब जो भी दवाएं आ रही थी और फिर लोगों को उससे क्या नुकसान पहुंच रहा, कितना फायदा हो रहा, पूरा एक रिसर्च किया उन्होंने, ठीक है ना, पूरा जाके ऑब्जर्वेशन किया, फिर अपनी रिपोर्ट इन्होंने पेश की, ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज किया, ठीक है ना। और साथ में ये भी बताया कि जो सिचुएशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ मतलब रिपोर्ट बनाया तो सिर्फ ये नहीं कि लोगों को ये दिक्कत है, इस टाइप घटिया क्वालिटी की दवाएं आ रही है, इतना ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, और एक और भी एक कमेटी थी जिन्होंने रिपोर्ट पेश किया, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जब ये दो तीन क्या कहते हैं रिकमेंडेशन आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी पूरी तरीके से जो आजाद नहीं थी फिर भी, तो क्या हुआ, व्हेन दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1940 के अंदर इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रग बिल। तो उस वक्त में क्या हुआ, एक ड्रग बिल आया। अब ये बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सारी चीजें याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाली हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पार्लियामेंट है, उसमें आपको कोई एक्ट पास करना है, तो सीधे वो एक्ट नहीं बन जाता है, एक्ट मतलब कानून नहीं बनता है सीधे, बल्कि क्या है, पहले उसके लिए आप प्रोविजन पेश करते हैं, वहां लाके एक समझ लीजिए आप एक मुसौदा लिखते हैं, पूरा पेपर लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के अंदर ये एक्ट बन जाए, ठीक है। तो पहले आप वो बिल पेश करते हैं, फिर वहां पे वो उस पर बहस होती है, अगर उस पर फिर वोटिंग होती है, अगर उसको क्या है मान्यता वहां से मिल जाती है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनकी मेजोरिटी होती है, तो फिर वो एक्ट, फिर वो बिल पास होता है। अब जब वो बिल पास हो जाता है तो वो क्या बनता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, अब यहां पे देखिए 1940 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बिल लेके आया, अभी एक्ट नहीं था ये, क्या था, एक बिल आया, ड्रग बिल। अब उसमें बहुत सारी बातें थी, क्या था उसमें, कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर सेल। यहाँ पे थोड़ा सा ना आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमा लगाइए, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा लगाइए, इन नहीं है, एन है, क्या एंड है, क्या है, एंड। तो उस बिल के अंदर क्या बातें थी, कंट्रोल रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये जो बिल आया उसके अंदर क्या बातें थी,
और यहाँ पे एंड लगा लीजिए या और लगा लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ये जो क्या है दवाएं जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही है, बाहर से मंगाई जा रही है या जो मैन्युफैक्चर हो रही है, बेची जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने का मतलब अच्छी क्वालिटी की दवाएं प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना, गलत तरीके से कोई उनको ना बेचे, घटिया क्वालिटी की दवाएं कोई ना बेचे, तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये बिल लाया गया, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। तो जो ये बिल आया था, फाइनली दिस बिल एडॉप्टेड एज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ये जो ड्रग बिल था बाद में उसी को एडॉप्ट किया गया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस वगैरह किए गए और फिर उसका नाम पड़ा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये बहुत ज्यादा फेमस एक्ट है, सेकेंड ईयर में जाएंगे या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो इस एक्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत लंबा एक्ट है ये, बहुत लंबा एक्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ये सारी डिटेल आप पढ़ेंगे डिफाम सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो ये इतना याद रखिएगा, ड्रग इसको बड़ा लिखिएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है ना, कब आया ये एक्ट 1940 के अंदर, अभी अपना इंडिया आजाद नहीं हुआ था, 1947 में आजाद हुआ, ठीक है ना। और फिर अब एक चीज और याद रखिए, कोई भी एक्ट बन जाता है तो कभी तो ऐसा होता है कि वो एक्ट मतलब आसानी से अप्लाई किया जा सकता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए ड्रग बन गया, अब उसमें यह कि इंक्वायरी करनी है, जाके अलग अलग दुकानों को चेक करना, उसके लिए आदमी भी तो चाहिए ना, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तो वो बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रूल्स, ठीक है ना। एक्ट अलग होता है, एक्ट बन गया फिर उसके बाद एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, इनेक्टेड करने के लिए, सब एक ही टर्म्स हैं, ये याद रखिएगा, अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। इस एक्ट को लागू करने के लिए जो अथॉरिटी बनाई जाती है, कुछ कमेटी बनाई जाती है, कुछ लोगों को तैयार किया जाता है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स। तो 1940 के अंदर ये एक्ट बन गया, 1945 के अंदर इसके रूल्स बने। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अगले साल बहुत काम आएंगी, ठीक है ना, इसलिए घबराइएगा नहीं कि बहुत ज्यादा हमने पढ़ा दिया आपको। टाइम कितना हो गया, अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अब फार्मेसी प्रोफेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1947 से पहले जो कुछ हुआ उसके बाद अब क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हो गया तो आफ्टर फ्रीडम, जब आजादी मिल गई, इन 1947 द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूड द फार्मेसी सिस्टम विच वॉज कंटिन्यूड इन ब्रिटिश रूल। ये कह रहे हैं कि जो अपना क्या कहते हैं देश आजाद हो गया तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, जो फार्मेसी सिस्टम चल रहा था अंग्रेजों के टाइम पे उसको कंटिन्यू रखा, उसको अभी कोई चेंजिंग वंजिंग नहीं की उसमें, ठीक है ना, जैसे वो चल रहा था उसको ऐसे ही चलने दिया। पर आपको मालूम है कि ब्रिटिश रूल में अभी उधर कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे बहुत अच्छे से दवाओं को या फार्मेसी प्रोफेशन को या उसके एजुकेशन के लिए, कैसे लोगों को पढ़ाया जाए, कौन दवा बेच सकता है, अभी ये सब रूल रेगुलेशन इतने ज्यादा नहीं थे। अभी एक तो बना था 1940 के अंदर लेकिन अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, 1945 के अंदर तो अभी उसके रूल्स बने थे और उसको रूल बनने के बाद भी टाइम लगता है, तो अभी कोई रूल रेगुलेशन उस टाइम पे नहीं था, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पे हैं कि दवा को मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना, सेल करना मतलब बेचना होता है ना, तो उसके लिए दवा बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भी दूसरे जो काम है फार्मेसी से रिलेटेड, उसके एजुकेशन वगैरह, उस वक्त में कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। अब तो ये है कि बिना कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वही दवा बेच सकता है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो बहुत सारी दवाएं के, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है वो दवाएं वगैरह नहीं बेच सकता, हाँ कुछ जो हाउस होल्ड दवाएं हैं वो बेच सकता है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है उसको। फिर क्या हुआ, 1948 के अंदर एक एक्ट और पास हुआ जिसको बोलते हैं फार्मेसी एक्ट। ये जो दो एक्ट है ना, ये समझिए जान है फार्मेसी की। एक क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर आया और दूसरा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945। ये दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अभी आपके फर्स्ट ईयर में नहीं है इतना, ठीक है ना। तो जब ये एक्ट पास हो गया, कौन सा, फार्मेसी एक्ट, जब ये 1948 के अंदर जब इसको पास कर दिया गया और फिर ये इसको इन्फोर्स भी कर दिया गया, इन्फोर्स मतलब इसको लागू भी कर दिया गया इंडिया के अंदर, तो अब इस जो ये एक्ट है इसने क्या किया, स्टैंडर्ड तय कर दिया किसके लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कोई भी फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए एक एजुकेशनल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड तय कर दिया कि इतना ये पढ़ा हुआ होना चाहिए,
ये क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, कम से कम डिफाम किया हुआ होना चाहिए। अगर डिफाम भी नहीं किया है तो मेडिकल स्टोर ये नहीं खोल सकता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए हर मेडिकल स्टोर के अंदर एक ज़रूर, और वहाँ पे उसका जो लाइसेंस है वो वहाँ पे चिपका हुआ होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक इन्होंने क्या है एक स्टैंडर्ड बना दिया क्वालिफिकेशन के लिए। कोई दवा बनाने जा रहा है मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर, तो वो क्या है उसने क्या कहते हैं बी फार्म किया हुआ होना चाहिए कम से कम, और उसके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तकरीबन 18 महीने का एक्सपीरियंस उसको किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा और भी मतलब मांगते हैं तकरीबन 2 साल या कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत सारी बातें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया तो इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन डू फार्मेसी प्रैक्टिस आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड लाइसेंस। ये कह रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बात तय हो गई कि सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी दवा वगैरह बेचना मैन्युफैक्चर करना जो भी है सारी चीजें वही कर सकता है। और वो भी क्या है जो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायर्ड है वो लाइसेंस लेने के बाद ही। एक होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। एक होता है रजिस्ट्रेशन, यानी आप फार्मासिस्ट आपने डी फार्म सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ लिया, 3 महीने की प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप सरकार की नजर में माने जाएंगे कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप दवा बेचना चाहते हो तो अभी नहीं बेच सकते हैं, दवा बेचने के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है जिस टाइप की दवा आप बेचना चाह रहे हैं, समझ में आ रही बात। अब वो पूरी क्लासिफिकेशन आप सेकेंड ईयर में उसको पढ़ेंगे। अब यहां पे यही बात है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सेट किया गया वो क्या है, डी फार्मेसी। इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि ये हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। मैं बीच में जो बातें आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो बताऊं या ना बताऊं, मैं वो छोड़ के भी जा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जिसको पढ़ाऊं तो उसको कुछ नॉलेज हो। सिर्फ पास होना ये बहुत कोई कमाल की बात नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, 15-20 आराम से एक महीने के अंदर पास हो जाओगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है जो नॉलेज आने के बाद वो आपके पास नहीं रहेगा, अंदर से खोखलापन महसूस करोगे तो मजा नहीं आएगा। कहीं पर भी जाओगे ना खुद अपने अंदर आप इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स फील करोगे, उसको बोलते हैं एहसास कमतरी का शिकार रहोगे हमेशा। तो मैं नहीं चाहता हूं, पास होने के तो बच्चे 3-3, 4-4 दिन के अंदर पढ़ के भी पास हुए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। आप सेकेंड ईयर वालों के जाके क्या कहते हैं कमेंट्स देखिएगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो मैंने डाला था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पास स्टूडेंट, इन्होंने भी पास किया है उनके लिए, तो देखिए कमेंट्स कैसे 3 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने, 15 दिन में ऐसे पढ़ पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं। खैर वो एक अलग बात है। ये जो मेरा पढ़ाना है ये आपको कैसा लग रहा है, इसलिए कि फर्स्ट ईयर को मैं बहुत दिनों के बाद फिर से पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं दूसरा जो लेक्चर लाऊं तो उसको मैं और इफेक्टिव और अच्छा बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।